नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। यूपी की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हाथरस के बहाने यूपी को जातीय दंगों की आग में जलाने की साजिश रची गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक फर्जी वेबसाइट रातों रात बनाई गई और इसके जरिए जातीय दंगे कराने की साजिश रची गई। एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि इस वेबसाइट पर हजारों लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से बनाई गई है। दावा है कि इस वेबसाइट में हाथरस को लेकर हिंसा की आग भड़काने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब कुछ विस्तार से बताया गया है। हाथरस समेत अलग अलग हिस्सों में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं से देश गुस्से में है। इस बीच राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि अब संपत्ति विवाद या आपसी विवाद को निपटाने के लिए भी दुष्कर्म के भी क्रॉस केस दर्ज हो रहे हैं, जो कि नया ट्रेंड बन रहा है। पीड़ित को भी न्याय मिलने में देरी होती है, यह है एक गंभीर मसला है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि इंटरनेट पर आपराधिक सामग्रियां भी काफी मात्रा में प्रसारित हो रही है, जो पूरी तरीके से वर्जित है। पुलिस ने अपने स्तर पर दर्जनों साइटों को हटाया है। साइटों को हटाने के बाद भी नई नई साइट बन जाती हैं, जिन पर पुलिस विभाग पूरी तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश के 15 ठिकानों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी चल रही है। सीबीआई की टीम बेंगलुरु के डुडल हल्ली, कनकपुरा और सदाशिव नगर में छापेमारी कर रही है। सीबीआई की यह छापेमारी कथित भ्रष्टाचार केस में चल रही है। सीबीआई की छापेमारी सोमवार सुबह 6 बजे कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र के डुडला हल्ली गांव में स्थित डीके शिवकुमार के घर से हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बेदखल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एनडीए का हिस्सा रहते हुए वो जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ कमर कस रहे हैं। दिल्ली में रविवार को हुई संसदीय दल की बैठक में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। बैठक के बाद पार्टी का कहना है कि कोई भी उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं खड़ा होगा और जीतने वाले सभी उम्मीदवार भाजपा लोजपा की सरकार बनाएंगे। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि अब तक भाजपा नीतीश कुमार का गठबंधन बरकरार है, हमें प्रचंड बहुमत मिलने को लेकर कोई संदेह नहीं है। गुरुग्राम डीएलएफ 2 स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में शनिवार रात पश्चिम बंगाल निवासी एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं और उसे मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता दिल्ली के कालकाजी में रहती है। उसकी काफी समय से पंकज नामक युवक से पहचान थी। पंकज ने शनिवार रात उसे डीएलएफ 2 स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया था। वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने कोविड-19 के चरम को सितंबर के महीने में पार कर लिया है। रिपोर्ट में 17 से 30 सितंबर के 14 दिनों के मामलों के डेटा को आधार बनाया गया है। मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा है कि बीमारी अब कम हो गई है और सभी हितधारकों से आग्रह की सकारात्मक सुधार के लिए आर्थिक सुधार पर जोर दिया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान रोजाना पॉजिटिव मामलों की 7 दिवसीय औसत में लगभग 93,000 से 83,000 तक की गिरावट आई है, जबकि 7 दिवसीय औसत दैनिक परीक्षण 1,15,000 से बढ़कर 1,24,000 हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सरकार द्वारा रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट का आयोजन उद्योग और शिक्षा के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन करना होगा। जून में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और अन्य के साथ मिलकर AI के जिम्मेदार विकास और उपयोग के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए हाथ मिलाया था। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में अपने कोटे की 121 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इनमें से 90% सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय कर लिए गए हैं। पार्टी आज उम्मीदवारों की पहली सूची जेडीयू के साथ गठबंधन और लोजपा पर अपना रुख साफ करेगी। पार्टी मुख्यालय में करीब 3 घंटे चली बैठक में पार्टी ने करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। 19 सीटों पर नाम तय नहीं हुए हैं, जिन पर जेडीयू से बातचीत जारी है। जिन सीटों पर जेडीयू से बातचीत होनी है उससे जुड़ी सीटें तीसरे चरण की है। पार्टी आज पहले 2 चरण के साथ तीसरे चरण की भी कुछ सीटों की घोषणा करेगी।
नए कृषि कानून को लेकर विरोध लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि यह कानून किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। इस सभी कानूनों को वापस लेने की मांग पर विपक्षी दल साथ है। वहीं इन नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए कांग्रेस शासित राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का विचार कर रहे हैं। इसका प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रखा था। कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी में के मुख्यमंत्री पहले यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे अपने अपने राज्यों में केंद्र के नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिला के तीतागढ़ में भाजपा कार्यकर्ता को गोली मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य की सीएम ममता बनर्जी और डीजीपी को बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर बुलाया है। खुद राज्यपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें, तीतागढ़ पुलिस स्टेशन के सामने भाजपा कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर इलाके में बवाल मच गया। भाजपा ने इसे लेकर ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। चीन से जारी तनाव के बीच 10 महीने पहले हुई सीडीएस की नियुक्ति और सेना व वायुसेना के प्रमुखों की पुरानी दोस्ती इस बार युद्ध की स्थिति में अहम भूमिका निभाएंगे। चीन को चित करने के लिए जमीन और हवा से सैन्य तालमेल के जरिए विजयश्री की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेह में वायुसेना के युद्ध के हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है और शीर्ष नेतृत्व ने वायुसेना को सेना की हर जरूरतों में भरपूर सहयोग का निर्देश दे दिया है। इस सबके बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाड़े और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की गहरी दोस्ती उनकी सेनाओं के समन्वय को अलग ही रंग देगी। खनन विभाग को फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जी रॉयल्टी पेपर जारी करने वाले 4 और लोगों को साइबर क्राइम लखनऊ की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में मुकेश कुमार केसरी, मनोज कुमार केसरी, अंकित कुमार केसरी और विशाल कुमार केसरी शामिल है। सभी आरोपी मेजा के बताए जा रहे हैं। इसमें अंकित और विशाल मुकेश के बेटे हैं। इन सभी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 मोबाइल, 3 लैपटॉप और 2 डेस्कटॉप बरामद किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक सप्ताह से संक्रमितों के मुकाबले ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। इससे रिकवरी दर भी बढ़ रही है। 1.5 महीने बाद यह दर फिर से 90% के करीब पहुंच गई है। विशेषज्ञ अनुमान जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में रिकवरी रेट और भी बेहतर होगी। दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह में रिकवरी दर 90% से ज्यादा हो गई थी और 15 अगस्त तक इसी के साथ आसपास बनी हुई थी। इसके बाद सरकार ने जांच की संख्या बढ़ाकर 4 गुना किया। इससे दैनिक मामलों में भी इजाफा होने लगा। संक्रमण के नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम होने लगी। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से संपर्क में रहने के लिए कश्मीर घाटी से आतंकी वर्चुअल सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। संचार सेवाओं की इस आधुनिक और नई तकनीक ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पुलवामा हमला मामले में ऐसे 40 से ज्यादा सिम इस्तेमाल किए गए थे। इसका खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच में किया था। वर्तमान में कश्मीर घाटी में इस तरह के कई सिम कार्ड एक्टिव होने की सूचना है, जिसकी जांच करना टेढ़ी खीर बना हुआ है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित होगी। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही बैठक में मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसे लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि 70 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को लेकर हमारी चर्चा हुई है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं द्वारा सुझाए उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक में चर्चा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को वायरस के बारे में बताने के लिए 4th संडे संवाद कार्यक्रम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जुलाई 2021 तक 40 से 50 करोड़ वैक्सीन जुटाने और इसे 25 करोड़ लोगों पर इस्तेमाल करने का है। हमारी सरकार यह तय करने के लिए दिन रात काम कर रही है कि वैक्सीन तैयार होने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से हो। हमारी प्राथमिकता है कि देश के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके। नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को पंजाब पहुंचे। राहुल ने कहा कि इन कानूनों को कोविड महामारी के दौरान लागू करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने किसानों से कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम इन 3 काले कानूनों को खत्म कर देंगे और इन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। आवर फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।